गुजरात की विंटर स्पेशल डिश उंधिया बनके रेडी हो गई है, रेडी टू सर्व। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात का फेमस उंधियू, जिसके लिए मैं अभी मॉर्निंग में जाके बड़ी सब्जी मंडी से सब्जी लेके आई हूँ। सारी फ्रेश वेजिटेबल्स है, इसको मैंने अच्छे से अभी साफ़ किया है, तो इस सब्जी में लगेगी सूरती पापड़ी जो इस तरह से दानेदार होती है मेन इंग्रेडिएंट में। तो ये सूरती पापड़ी है, फिर ये फ्रेश लहसुन है, ये है वढवाणी मिर्ची, ये गुजरात में खास मिलती है, इसकी भर के रायता मिर्ची बनाते हैं, और ये अपने तीखी भी नहीं होती ज़्यादा, तो ये मैं ये उंधिया में डालूँगी। ये दो टमाटर डालूँगी, ऑप्शनल है। ये है हरी धनिया, ये है मेथी जिसका मुठिया बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ये है पापड़ी या सेम के दाने, तो इस तरह से ये है सेम के दाने, ये तुअर दाने फ्रेश जो गुजरात में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, अरहर जिसको बोलते हैं, तो उसके दाने हैं, और ये है रवैया, ये भी मेन इंग्रेडिएंट में है, और ये छोटे आलू है, ये शक्करकंदी या स्वीट पोटैटो या शक्करिया, ये है रतालू, और ये एक अदरक का टुकड़ा। तो ये अपनी है उंधिया की मेन जो सामग्री है वो सारी मैंने ले ली है, और अब इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको अच्छे से पहले तो वॉश करेंगे, और उसके बाद इसका कटिंग चॉपिंग होगा। और ये सब्जी में कोई ऐसा रूल्स नहीं है भाई रूल कि आपको ये ज़्यादा ये इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, आपको जो चीज़ ज़्यादा कम पसंद हो कर सकते हैं। तो ये देखिए तुअर के दाने और ये सेम के दाने, आप चाहे तो मटर के दाने भी ले सकते हैं, पर प्रोफेशनली मटर के दाने नहीं होते, मैं भी नहीं डालती हूँ। और ये है पापड़ी, सूरती पापड़ी जो सेम बोलते हैं, तो ये भी मेन इंग्रेडिएंट में है। तो बस अब पहले तो इसको अच्छे से पहले वॉश करेंगे भाई। उंधिया बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री में ये मैंने पापड़ी धो के साफ़ कर ली है, ये दाने में है सेम या पापड़ी का दाना, और तुअर जो अरहर फ्रेश अरहर होती है उसके दाने हैं ये ले लिए हैं, ये दो बारीक कटे टमाटर हैं, ये बैंगन भर के ले लिए हैं मैंने, ये वढवाणी मिर्च भर के ले ली है, और ये है आलू, छोटे आलू लेने के हैं, और इसको मैंने इस तरह से इसके बीच में कट मार दिए हैं, और ये है रतालू, और ये है शक्करकंद, इसको इस तरह से गोल अलग पीस किए हैं ताकि समझ में आए कि ये शक्करकंद है, जिसको पसंद जो चीज़ हो उस हिसाब से दे सके। और ये जाएगा तड़के में तेल, और तड़के के लिए मैंने ली है 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून तिल, तिल का तड़का बहुत बढ़िया लगता है, ये है अदरक और लहसुन की पेस्ट, ये खड़े मसाले में मैंने लिया है साबुत लाल मिर्च और तेज पत्ता, और ये मसाले में है 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून हींग है, हल्दी बहुत कम जाएगी, और ये 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और ये है उंधिया का मसाला, अगर आपके पास उंधिया का मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी ले सकते हैं, और उसमें तज का पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दें, तो ये है 1.5 टेबल स्पून उंधिया मसाला, और उसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है तज का मसाला, तज पाउडर, नमक जाएगा स्वादानुसार, और ये मुठिया के लिए मैंने इसमें जो मुठिया पड़ेंगे उसके लिए आटा गूंद के तैयार रखा है, और ये है फ्रेश कटा लहसुन और ये हरी धनिया, और बस पहले अपने सबसे पहले ये उंधिया के आटे को मिक्स करके अच्छे से, और इसके मुठिया बना लेते हैं, और फिर इसको फ्राई करते हैं। ये उंधिया में डालने के लिए जो ये मैंने बैंगन रखे हैं, तो इसको अच्छे से धो के इस तरह से कट लगा लिए हैं, आप चाहे तो ऐसे पीछे से भी कट लगा सकते हैं, और इस तरह से पीछे डंठल रखना हो तो आगे से कट लगा सकते हैं, और ये मैंने कुछ वढवाणी मिर्ची ली है इसको भी कट करके रखा है, और इसके अंदर भरने के लिए मसाले में है 1 टीस्पून बेसन, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, नमक है, और ये लहसुन धनिया मिर्चा की हरी चटनी है, और इसी के अंदर अब अपने थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि थोड़ा सा बाइंडिंग मिल जाए इसको। तो ये गया अपना तेल, और अब इसको
बैंगन को अपने भरते हैं। पहले ये अच्छे से मसाले को कर देते हैं मिक्स। इसके अंदर खटास में मैंने अभी कुछ नहीं डाला है क्योंकि ये उंधिया के लिए मैं भर रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर नींबू डाल सकते हैं। तो ये देखिए अपना मसाला हो गया रेडी। और अब इसको ये बैंगन के जो कट किए हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ऑलरेडी उंधिया एक सब्ज़ी होती है उसके अंदर जाएगा। तो इस तरह से ये अपने भर भर के रखते जाएंगे और सारे बैंगन भर लेंगे। और जो ये मैंने वढवाणी मिर्ची इसको भी थोड़ा सा ऐसे भर लेंगे, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो इसको भी थोड़ा डाल देते हैं उंधिया में, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से अपने ये बैंगन और मिर्ची को भर लेंगे। और बोला आज बनाएंगे मेथी का मुठिया। तो मेथी का मुठिया बनाने के लिए मैंने ये लिया है 1 कप गेहूं का दरदरा आटा, मोटा आटा है, 1 कप चना का आटा या बेसन। इसमें ये मैंने मेथी की भाजी अच्छे से धो के काट ली है बारीक। और ये है हरा फ्रेश लहसुन है, हरी धनिया है, ये धनिया मिर्ची लहसुन की चटनी है, सब फ्रेश हरी धनिया सब लिया है, नमक स्वादानुसार जाएगा। और ये मिर्ची हल्दी धनिया हींग सब हाफ हाफ टीस्पून लिया है। और ये अजवाइन है, ये है चीनी, चीनी आपको पसंद है मीठा तो डालें नहीं तो नहीं, 1 टीस्पून चीनी है। नींबू डालेंगे, ये अदरक और मिर्च का क्रश किया हुआ पेस्ट है। और ये है खाने का सोडा। और अब अपने ये सब चीज़ को ये आटे के अंदर मिक्स करेंगे। ये अपने आटे के अंदर सबसे पहले तो ये अजवाइन को थोड़ा सा ऐसा हाथ से क्रश करके डालेंगे, ये गया अजवाइन। ये डालेंगे चीनी, ये पाउडर मसाले मिर्ची हल्दी धनिया और हींग, और ये नमक डाल देंगे स्वादानुसार। तो ये गया अपना नमक। और इसके अंदर ये थोड़ा खाने का सोडा, मीठा सोडा वो भी डालेंगे जिससे कि ये अपने एकदम मुठिया सॉफ्ट बने। तो ये गया 1/2 टीस्पून से भी कम मीठा सोडा। और इसके अंदर अभी ये हरे लहसुन मिर्ची धनिया की पेस्ट डाल देंगे। तो ये गई 1 टेबल स्पून अपनी पेस्ट। और ये क्रश किया हुआ आलू और मिर्च है, ये भी डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये गया। और इसके अंदर ये अपने थोड़ा नींबू निचोएंगे ताकि ये अपने मुठिया का बढ़िया सा खट्टा मीठा टेस्ट आए। तो ये अपना गया नींबू का जूस। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं ये फ्रेश, अभी आजकल सर्दियों का मौसम है तो फ्रेश लहसुन मिल रहा है, तो फ्रेश लहसुन बारीक कटा हुआ, फिर ये बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया है, और ये मेथी सबसे ज़्यादा लेंगे। तो ये अपनी मेथी है, इसके अंदर अपना आटा बाइंड हो उतना ही लेना है ताकि मेथी का टेस्ट आए। मेथी का मुठिया बन रहा है तो मेथी का टेस्ट लगना चाहिए ना कि आटे का। और इसको आप अपने स्टीम करके भी बना सकते हैं और फ्राई करके भी। तो ये अपना गया मेथी, इसको अच्छे से मिक्स करके, पहले ऐसे ही मिक्स करते हैं और बाद में पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो डालेंगे, नहीं तो ऐसे ही आटा गूंद लेते हैं। ये अपने पहले अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और इसके अंदर जहाँ तक हो सके मेथी भाजी जितना आटा बाइंड कर सके उतना ज़्यादा डालें ताकि मेथी का बढ़िया सा टेस्ट आए। और मेथी इसमें बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी क्योंकि अपने नींबू भी डाला है और चीनी डाली है, तो खट्टा मीठा टेस्ट है, तो वो सब इसमें बैलेंस हो जाएगा।
थोड़ी सी मैं ये भाजी और डाल लेती हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के गूंथती हूँ। बस अपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथते रहेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, क्योंकि ये मेथी की भाजी और नमक और सब चीनी डाला है तो वो सब भी अपना पानी छोड़ेगा अभी। और ये आटे को अपने 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि जो गेहूं का मोटा आटा लिया है वो भी अच्छे से सीज जाए। और ये मुठिया मैं अभी तो बना रही हूँ उंधिया के लिए। उंधिया गुजरात का फेमस डिश है, एक सब्जी, तो उसके लिए बना रही हूँ। बाकी इसको बढ़िया सा अपने स्टीम करके या फ्राई करके दोनों तरीके से बना सकते हैं, तो चाय के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए अपना आटा गूँथ के रेडी है। अभी ये थोड़ा कड़क है तो थोड़ा मोटा आटा है तो इसका पानी छोड़ेगा, पर मोटा आटा है तो थोड़ा सोख भी लेगा। तभी अपने इसको 10 मिनट ढक के रख देते हैं, रेस्ट देते हैं। ये आटे के अंदर थोड़ा तेल का मोयन भी जाता है, मैं डालना भूल गई थी, तो अभी अपने ये डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। तो ये ऑयल डालने से एकदम बढ़िया से सॉफ्ट बनते हैं मुठिया। तो ये अपने ऑयल को भी इसी स्टेज पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आटा ढीला लगे तो आप इसमें और आटा मिक्स कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइट है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको बढ़िया सा गूँथ ले। बस अब इसको अपने मैं कवर करके रख देती हूँ। ये मेथी का मुठिया बनाने के लिए आप ये चाहे तो इसके अंदर थोड़े सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब मैं आटा लगा के इसके मुठिया बना लेती हूँ। ये मुठिया के लिए मैंने आटा लगा लिया है। मैं बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं लगाती, क्योंकि बहुत टाइट मुठिया नहीं अच्छे लगते हैं, कड़क कड़क हो जाते हैं। तो बस अब इसको अपने इस तरह से आप चाहे जो शेप दे सकते हैं, तो ये मैं बढ़िया से ऐसे गोल शेप के बना बना के रख रही हूँ। ये आटा थोड़ा सा गीला है मेरा, तो मैं हमेशा ऐसे ही मुठिया बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट आटे का नहीं। और अगर आपको इसको स्टीम करना है तो थोड़ा आटा टाइट करके और फिर इसके रोल बना लें और स्टीम कर लें, और स्टीम करने के बाद जब ठंडे हो जाएँ तो उसको काट के और राई तिल का तड़का लगा के खाएँ, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं बस इसी तरह से सारे ये मुठिया बना के रख लेती हूँ और फिर इसको फ्राई करते हैं। ये अपना तेल गरम हो गया है, और अब अपने उसमें ये मुठिये डालते जाएंगे, और आँच को मीडियम रखेंगे, क्योंकि इसको मीडियम फ्लेम पे ही तलना है ताकि अंदर से पक जाए। और इसको होते एक बैच होते 4-5 मिनट लगेगा। तो इसी तरह से अपने कढ़ाई में जितने आते हैं उतने मुठिये डालते जाते हैं, और अभी इसको थोड़ा होने के बाद पलटते हैं। ये इसको मैंने पलट दिया है, और अभी इसको थोड़ा और होने देते हैं ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब अपने ये मुठिये बन के तैयार हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब अपने ये सारे मुठिये तल के रेडी हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन किया है, तो इसको आप चाहें तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं कुछ चाय के लिए रखूंगी और कुछ सब्ज़ी में डालूंगी। अपने इसी तेल में
ये अपने सारे जो कंद हैं वो भी तलेंगे, तो बारी बारी डालेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये आलू डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको उंगलियाँ में ऐसे ही डाल सकते हैं, पर ऐसे डालने से वो सब्ज़ी में कई बार ओवर कुक या ऐसा हो जाने के बाद वो फट जाते हैं, गल जाते हैं, और ऐसा तलने के वजह से ये बढ़िया सा अपना खड़ा भी बना रहेगा और इसका टेस्ट भी बेटर हो जाता है। तो बस इसको सब कंद को ऐसे बारी बारी तल लेंगे। तीन तीन चार चार मिनट लगेगा, फास्ट आंच पे ही तल लेते हैं। अब अपने ये आलू फ्राई होके रेडी हो चुके हैं, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसके बाद यही तेल के अंदर अपने शकरकंद डाल देते हैं। बहुत संभाल के डालना पड़ता है, इसके अंदर कहीं पानी के छींटे तो है ही, थोड़ा बहुत भेज में मॉइस्चर है तो छींटे भी उड़ सकते हैं। तो ये गया अपना शकरकंद। ये सबको बस फास्ट आंच पे ही तलना है, ताकि ये बढ़िया सा इसके ऊपर तलने की वजह से इसका टेस्ट भी बढ़िया बन जाएगा, शाइनिंग भी अच्छी आएगी और ये टूटेंगे फूटेंगे भी नहीं सब्ज़ी में। और ऐसे फ्राई करने से ये बहुत बढ़िया लगता है, नहीं तो बॉईल हुआ सब्ज़ी में ऐसे लगता है जैसे बॉईल किया हुआ है। तो ये अपना गया शकरकंद शक्करिया, अब इसको भी फ्राई होने देते हैं। अब ये अपना शक्करकंद फ्राई होके रेडी है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये गया अपना सारा शकरकंद फ्राइड होके रेडी, और अब इसी तेल में अपने डाल देते हैं ये रतालू। तो ये रतालू डालेंगे धीरे धीरे, भाई बहुत ज़ोरदार सीटे उड़ रहे हैं। आँच धीरी कर लूँ पहले तो डाल के टाइम। ये गए अपने रतालू, अब अपना ये रतालू भी फ्राई होके रेडी हो गया है। मैं जब भी उंधिया बनाती हूँ तो सबसे पहले तेल के अंदर मुठिया तल लेती हूँ, और वही तेल में अपने जब उंधिया बनाते हैं तो बहुत बढ़िया उसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो मैं सबसे पहले इसमें हमेशा मेथी का मुठिया तलना पसंद करती हूँ, उसके बाद ये अपने सारे कंद तल लिए, और अब अपने इसका तड़का लगाते हैं उंधिया के लिए। अब अपने उंधिया के तड़के के लिए यही सेम तेल जिसमें अपने फ्राई किया था उसी के अंदर सबसे पहले डालते हैं तिल, राई और अजवाइन। अजवाइन मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये जो पापड़ी और वो सब थोड़ा गैस करता है तो वो डाइजेस्ट होने में भी ठीक रहे। ये साथ में डाल देते हैं खड़े मसाले, तेज़पत्ता और साबुत लाल मिर्च। इसको होने देते हैं क्रैकल, और इसके क्रैकल होते ही अपने डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। गैस को धीमा कर देते हैं। ये गई अपनी पेस्ट, और इसके तुरंत बाद डाल देते हैं पापड़ी। पापड़ी के बाद डाल देते हैं ये तुअर के दाने, तुअर और पापड़ी के दाने जो सेम थी उसके दाने। और अब लगे हाथ चलाने से पहले ये मिर्ची, हल्दी, हींग, ये गया अपना पाउडर मसाला, और इसके बाद डाल देते हैं ये धनिया पाउडर, और इसके बाद डालते हैं ये अपने टोमेटो और इसके बाद डालते हैं नमक। नमक मुठिया में भी आएगा जो बैंगन भरे उसमें भी था,
तो अपने को ये जो सब्जियां डाल रहे हैं इसी के हिसाब से नमक डालना है। तो ये अपना गया नमक, नमक स्वादानुसार, नमक जब भी खाएं कम खाएं, तो ये गया अपना नमक। और इसके बाद इसी स्टेज पे ये मैं थोड़े ये जो हरा लहसुन काट के रखा है ये काफ़ी मात्रा में डालूँगी, क्योंकि ये उंधिया खाएंगे तो इसी का टेस्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया आता है, और सर्दियों का मौसम है तो इसी को स्पेशलिटी उंधिया की ये है भाई। ये गया अपना लहसुन और थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं। तो ये गया धनिया, और अब इसको पहले अच्छे से कर देते हैं मिक्स। बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये दाने पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले दाने इसलिए डाले हैं। और अब इसको पहले तो 4-5 मिनट फास्ट आंच करके ढक के रख देते हैं। ये अब अपने खोल के चेक करते हैं, 4-5 मिनट हो चुका है, और इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं। और अब इसमें अपने इसी स्टेज पे ये डाल देंगे बैंगन और भरी मिर्च। ये गए अपने बैंगन और मिर्च, और ये अपने जो गरम मसाला है उंधिया का वो भी इसी स्टेज पे डाल देंगे, ताकि ये इसके अंदर बढ़िया सा कुक होके बनता रहे। और इसी स्टेज पे अपने इसमें थोड़ी सी डालेंगे चीनी, ये उंधिया ज़्यादातर मीठा ही होता है, तो ये मैं थोड़ी ही चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, और आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। तो ये गई अपनी चीनी, और इसको अच्छे से कर देते हैं पहले मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी पानी गरम किया हुआ। हमेशा बनती ही सब्जी दाल कोई भी चीज़ इस तरह की हो जिसमें पानी डालना हो, तो हमेशा उसके अंदर गरम पानी ही डालना चाहिए। तो ये अपना पानी हो गया है गरम, और इसके अंदर डाल देते हैं, ये गया अपना गरम पानी। बस इसको अच्छे से, थोड़ा पानी मैं ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि लास्ट में जब मुठिया डालते हैं तो पानी सोख लेता है। तो बस ये अपने बढ़िया सा एक बार और मिक्स कर देते हैं, और इसको अब मीडियम आंच पे आराम से पकने देंगे, ढक देते हैं। ये उंधिया में डालने के लिए मैंने आलू, शकरकंद या शक्करिया और रतालू को फ्राई करके रख लिया है, और अभी इसको उंधिया में डालते हैं। अब अपने सब्जी चेक करते हैं, ये देखिए बढ़िया सा बॉईल आ गया है, और इसको अपने चला लेते हैं। इसको मैंने बीच में भी 2-3 बार चलाया था, बारी बारी चलाना ज़रूरी है। ऐसे तो जब भी उंधिया बनाए तो मोटे तले का ही बर्तन ले, पर फिर भी बीच बीच में चलाते रहें, क्योंकि ज़रा सी भी जलने की स्मेल आ गई तो इतनी सारी की हुई मेहनत बेकार जाती है। बस अपना ये उंधिया, लगभग ये दाने और बैंगन 50% कुक हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे अपने ये जो कंद तले थे सारे, आलू है, रतालू है, शकरकंद है, ये डाल देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसके साथ साथ इसको भी पकाएंगे, क्योंकि ये अभी पूरे पके नहीं हैं, सिर्फ हाफ फ्राई हुए थे।
तो इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और इसके बाद इसको ढक के होने देते हैं। अपने अपना उंधिया चेक करते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया सा तेल सेपरेट हो चुका है, ये देखिए। और ये अपने देखते हैं, ये देखिए आलू, ये रतालू, कंद, बैंगन सभी बढ़िया सा कुक हो चुका है। तो बस ये अपना उंधियू अब बन के रेडी है। इसको मैंने तो स्लो आंच पे होने दिया था, मेरे पास टाइम था तो मैंने आराम से इसको होने दिया है। तो धीमे आंच पे जब पकता है तो इसका टेस्ट और भी उभर के आता है। तो ये बढ़िया सा अपना उंधियू बन के अब रेडी हो चुका है। अब इसी के ऊपर अपने डाल देते हैं ये मुठिया। ये मुठिया डालने से ये इसका जो उंधिया का रसा है वो थोड़ा सोख लेगा तो कम हो जाएगा। तो वापस अगर आपने बहुत कम पानी डाला है तो ये देखिए मैंने उंधिया डाल दिया है, अभी मैं इतना ही डालूँगी, जब जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे डालेंगे। तो अगर आप उंधिया बच जाता है और वापस गरम करके खाना है तो उस टाइम ये ड्राई हो जाता है, और अगर ड्राई हो गया तो थोड़ा सा ऑयल लेके उसको गरम करें, उसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालें और पानी डाल लें, और वो गरम करके और फिर इसी सब्जी में डाल के करें, खाए तो बहुत ऐसा ही टेस्ट आएगा वापस, और ये अपना उंधिया भी ड्राई नहीं रहेगा। तो ये बस अपना बढ़िया सा उंधिया बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर भी आया है। तो ये है अपना उंधिया, ये अपना उंधिया बन के रेडी है। ये गुजरात की विंटर स्पेशल डिश है, सौराष्ट्र में खाने का अलग तरीका है बनाने का, सूरत में अलग तरीका है, अहमदाबाद का अलग तरीका है, अरे हर एक घर में भी अपना अपना अलग स्टाइल होता है बनाने का। और ये विंटर में मैं भी अपने ये खास तो इसकी अंदर डलने वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादातर विंटर में ही मिलती है, तो ये और उत्तरायण के दिन तो खास खाया जाता है। तो ये मेरा उंधिया मैं भी अपने पूरे विंटर सीजन में 8 से 10 बार बना के खाती हूँ, और मेरे को मेरे हाथ का ही बना पसंद है, बाहर का मेरे को उतना पसंद नहीं आता है। तो ये मेरा बढ़िया सा उंधिया बन के रेडी है। गुजरात में शायद ही ऐसा कोई घर हो कि जिस गुजराती फैमिली कि जो उंधिया ना खाती हो, कई फैमिली बनाते नहीं है तो बाहर से ला के खाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा झंझट वाला भी हो जाता है, तो कई लोग क्या है इसको बनाने की बजाय तैयार ला के खाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने तो भैया खुद बनाया है, आप भी मेरी मेथड से बनाएंगे बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है। तो ये अपना उंधिया बन के रेडी है। अब अपने उंधिया पे डालेंगे खूब सारा फ्रेश धनिया, इसका एकदम फ्रेश टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये बढ़िया अपना गया धनिया, और इसके ऊपर थोड़े बारीक कटे वापिस ये फ्रेश लहसुन डाल देते हैं। तो बस ये हो गया अपना रेडी टू सर्व। ये देखिए अपना एकदम बढ़िया सा उंधिया बन के अब रेडी हो गया है रेडी टू सर्व। और इसको मैं आपको एक बार चला के भी बताती हूँ कि देखिए किस तरह का इसका टेक्सचर है। इसमें ऑयल ज़्यादा ही होता है, बहुत टेस्टी बना है। तो बस ये अपना रेडी हो गया है उंधिया। आज मैंने बनाया ये उंधिया, और ये मेरा गुजरात का विंटर स्पेशल डिश बनके रेडी हो गई है। और ये देखिए इसमें तेल भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो ये बढ़िया सा अपना उंधिया बना है, जिसके अंदर कंद भी होते हैं, वेजिटेबल्स होती है खूब सारी, और ये इस उंधिया में डालने वाली सारी वेजिटेबल्स ज़्यादातर ये विंटर में मिलती है, और उत्तरायण के दिन तो ये खास खाया जाता है। तो आप भी बस ये मेरी स्टाइल से बना के खाएं, खिलाएं, ये स्टाइल से बनाएंगे तो आप बाहर का उंधिया खाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बस ये मेरा
बढ़िया सा उंधिया बन के रेडी है। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं, हैव अ नाइस डे। ये उंधिया को आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, और इसके ऊपर एकदम जो बारीक सेव आती है, नायलॉन सेव जिसको बोलते हैं, उसको स्प्रिंकल करके भी खाते हैं, तो लोग ऐसे भी खाते हैं उसको। और ये साथ में मुखिया है, इसका भी मेथी का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और इसके साथ उंधिया, पूरी, सेव और जलेबी, इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है। तो बस एंजॉय कीजिए आप भी बना के, मैंने बना लिया है, अब हम एंजॉय करेंगे इसको गर्मा गर्म पूरी के साथ। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।